हेलो दोस्तों, मैं कविता आज आप सभी लोगों के लिए शेजवान बेबी कॉर्न की रेसिपी लेके आई हूँ। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं और मंचूरियन या फिर चिली पनीर के बाद अगर किसी डिश की बात आती है तो वो यही होते हैं। तो इसी के साथ आप सभी का कविताज किचन तड़का में मैं स्वागत करती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आज ही सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगें तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट इसे बनाते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बेबी कॉर्न, मैदा, कॉर्नफ्लावर, शिमला मिर्ची, स्प्रिंग अनियन यानी कि हरी वाली प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज। तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियन के दोनों पार्ट का इस्तेमाल किया, यानी कि हरा और सफ़ेद दोनों हिस्सों को मैंने यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने सफ़ेद हिस्से को बारीक बारीक काट लिया है। शिमला मिर्ची को भी मैंने यहाँ पे बड़े टुकड़ों में काट लिया है। स्प्रिंग अनियन के हरे वाले हिस्से को भी बारीक काट लिया है। बारीक कटे हुए लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक और छल्ले में कटी हुई हरी मिर्च, साथ में बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई प्याज ली है, और बेबी कॉर्न के मैंने दो टुकड़े कर लिए हैं। इसी के साथ हम लेंगे विनेगर, रेड चिली सॉस, टमाटो केचप, सेजवान सॉस, सोया सॉस, ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर, तलने के लिए तेल और नमक। तो सबसे पहले हम एक बोल में, मैं यहाँ पे करीबन 3 चम्मच मैदा ले रही हूँ, और मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और नमक। नमक आप स्वादानुसार लें। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बैटर बनाएंगे। बैटर जो है ना वो बहुत ही गाढ़ा हो, ना ही बहुत पतला, एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाना है, ताकि जब हम इसमें अपने बेबी कॉर्न डालें तो उसकी जो कोटिंग है बेबी कॉर्न के ऊपर अच्छे से आ जाए। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी कोटिंग हो रही है, ना ही बहुत मोटा है ना ही बहुत पतला है। तो इस तरीके से मैं सारे बेबी कॉर्न इसमें 1 by 1 डिप करूँगी और फिर हम उन्हें फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे अभी मैंने आधे बेबी कॉर्न जो हैं वो बैटर में डाले हैं, तो जब मैं आधे फ्राई कर लूँगी उसके बाद मैं अपने बाकी के बचे हुए बेबी कॉर्न को भी इसमें डिप करूँगी और उन्हें फ्राई कर लूँगी। तो इसी के साथ जो तेल है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, तो मैं यहाँ पे बेबी कॉर्न को फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करते समय जो फ्लेम है उसे मीडियम रखिएगा और ऑयल को भी धीरे धीरे करके लो से मीडियम फ्लेम पर गर्म कीजिएगा। अच्छी तरीके से जब बेबी कॉर्न फ्राई हो जाए तो इन्हें निकाल लीजिएगा। तो इसी तरीके से मैंने अपने बाकी के भी जो बेबी कॉर्न हैं उन्हें बैटर में डिप किया और उन्हें बारी बारी करके मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। एक चीज़ और है, जब भी आप बेबी कॉर्न फ्राई करेंगे तो आपस में वो चिपके हुए होंगे, तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें बाद में हाथों की हेल्प से अलग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 by 1 इन सभी को अलग कर लिया है। अब सारे बेबी कॉर्न फ्राई करने के बाद हम इन्हें एक बार दोबारा से डीप फ्राई करेंगे, ताकि ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो। अगर आप थोड़ा कम क्रिस्पी खाते हैं तो आप एक ही बार फ्राई करें, और ज़्यादा क्रिस्पी खाते हैं तो हम इन्हें 2 बार फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारे बेबी कॉर्न्स को डबल फ्राई कर लिया है, जिसकी वजह से और भी क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे कॉर्नफ्लावर स्लरी। इसके लिए एक कटोरी में मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, और इसमें मैंने पानी मिला के करीबन 1 कप पानी मिलाया और एक पतला सा घोल जो है वो तैयार कर लिया है। इसी के साथ अब एक पैन में तेल गरम करेंगे और उसमें डालेंगे कटे हुए लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। करीबन इसे 1.5 से 2 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये लाइट ब्राउन हो जाए, और इसमें मिक्स कर देंगे कटे हुए प्याज, हमारी कटी हुई शिमला मिर्ची, स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पार्ट यानी कि उसके नीचे जो सफ़ेद वाले प्याज का हिस्सा होता है वो। तो इन सारी सब्जियों को हम हाई फ्लेम पे सॉटे करेंगे, टॉस करेंगे। तो यहाँ पे मैं मिला रही हूँ स्प्रिंग अनियन का हरा वाला पार्ट, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन मैंने बचा के रख लिया है। अब इन्हें हाई फ्लेम पे 35 to 40 seconds के लिए हम सॉटे करेंगे, टॉस करेंगे। इन्हें स्टर करते रहिएगा, चलाते रहिएगा। इन्हें हमें कच्चा ही रखना है, पकाना बिल्कुल भी नहीं है, ताकि ये क्रंची बने रहें। तब इनमें सॉस, सारे के सारे सॉस मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ करीबन 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच रेड चिली सॉस यहाँ पर ले रही हूँ मैं, 2 चम्मच सेजवान सॉस, और साथ ही साथ लेंगे हम 2 चम्मच टमाटो सॉस। तो यहाँ पे जो आप केचप से सॉस यूज़ करेंगे वो आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में लिया मैंने करीबन 1 चम्मच विनेगर, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। साथ में मैंने यहाँ पे करीबन छोटी कटोरी से 1/2 कटोरी पानी लिया था, तो आप भी चाहें तो पानी इसमें मिला सकते हैं, ताकि जो सॉस है वो जले नहीं। अब इसमें मिक्स करेंगे कॉर्नफ्लावर स्लरी। तो स्लरी मिलाने से पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा और फिर स्लरी को मिलाइएगा। साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक, तो नमक हम थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि सॉस में भी नमक होता है और बेबी कॉर्न में नमक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। साथ में मैंने लिया है करीबन 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, और अब हम इन्हें अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, जब तक कि जो हमारी सॉस है वो थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। सॉस गाढ़ी होने पे मैंने यहाँ पे हमारे सारे के सारे बेबी कॉर्न जो है इसमें मिक्स कर दिया है, और अब हम इसे करीबन 30 to 40 seconds के लिए हाई फ्लेम पे टॉस कर लेंगे। थोड़ी देर कुक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो सॉस है वो और भी गाढ़ी हो चुकी है, वो बेबी कॉर्न में अच्छी तरीके से
मिक्स हो चुकी है, उसकी कोटिंग बहुत अच्छी तरीके से बेबी कॉर्न पे आ चुकी है। तो मैं इसमें मिक्स करूँगी स्प्रिंग अनियन और ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो चलिए अब हम इनकी प्लेटिंग करते हैं। तो ये जो है बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले शेज़वान बेबी कॉर्न की तरह तैयार हुए हैं। किसी भी अच्छे से फूड स्टॉल या रेस्टोरेंट में मिलने वाला शेज़वान बेबी कॉर्न का जो टेस्ट होता है वही टेस्ट आपको इसमें भी मिलेगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये लीजिए, तैयार हो चुका है हमारा शेज़वान बेबी कॉर्न। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही यमी होता है, बच्चे बूढ़े सभी को बहुत पसंद आता है। आप देख सकते हैं कि बेबी कॉर्न के ऊपर जो हमारे सॉस है उनकी कितनी अच्छी सी कोटिंग आई है। सॉस बहुत ही अच्छी तरीके से एक साथ हो चुका है और सारे के सारे बेबी कॉर्न पे वो अच्छी तरीके से कोट हो चुका है। साथ ही साथ जो सब्जियां हैं वो भी क्रंची हैं और अपने कलर में हैं, अपने ही रंग में हैं वो। साथ ही साथ इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। तो आप इसे एक ट्राई देना ना भूलें। और इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए।